आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। जनता दल यूनाइटेड की पहली बैठक 11 बजे हुई थी। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें ये चर्चा हुआ कि शाम में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शाम 4 बजे से होगी उस पर किन एजेंडों पर चर्चा होनी है। हालांकि इन सबके बीच जो बड़ी सियासी खबर निकल के आई आज दिन भर की वो ये थी कि जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ललन सिंह की ताजपोशी हुई है। ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के तमाम जगहों पर, माफ कीजिएगा, जो कार्यालय के ठीक बाहर या कह सकते हैं पटना के अन्य अन्य इलाकों में पोस्टर्स लग गए हैं, ललन सिंह को बधाई दी जा रही है। साफ साफ तौर पे जो लिखा है वो हम पढ़ के एक बार आपको सुना दें। आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई, और ये तमाम बधाई जो है दिए जा रहे हैं ललन सिंह को। एक खास बात इस पोस्टर में नोटिस करने लायक ये है कि इसमें आपको आरसीपी सिंह की पोस्टर में तस्वीर नहीं दिखेगी, यानी कि आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री बनाए गए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को इस पोस्टर में यानी कि इस तस्वीर में जगह नहीं मिली है, जो ये बड़ी खबर है वो आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, साथ ही साथ केंद्र में मंत्री भी थे, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली। मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति को एक ही पद मिल सकता है, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इस बात की जानकारी दी थी कि जब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे तो एक ऐसे काबिल व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। और जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आज ताजपोशी हुई है तो ललन सिंह की तस्वीर लगाई जा रही है जगह जगह पर, और शुभकामनाएं दी जा रही हैं, हार्दिक बधाई दी जा रही है। सबसे पहले तस्वीर रामनाथ ठाकुर का आप देख पा रहे होंगे, दूसरी तस्वीर वशिष्ठ नारायण सिंह की है, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की तस्वीर, सीधे तौर पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा की तस्वीर, और नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, इन लोगों की तस्वीर, और साथ में ललन सिंह की तो तस्वीर आप देख ही रहे होंगे, साथ ही साथ बगल में जिन्होंने इस पोस्टर को लगवाया है उनका तस्वीर है। तो आरसीपी सिंह की तस्वीर इस पूरे पोस्टर से गायब है, यानी कि आरसीपी सिंह को अब इन पोस्टर्स में जगह नहीं मिली है। तो एक बड़ी खबर थी जो लगा अलग अलग जगहों पर ललन सिंह को बधाई देने के लिए जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उस पोस्टर से आरसीपी सिंह गायब दिख रहे हैं। इन तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।